हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज जानते हैं अपने ब्लॉगर में फॉलो बाय ईमेल का सब्सक्राइब बटन कैसे लगाएं, जैसे मेरे इस ब्लॉग में लगा है। तो इसी को मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक वेबसाइट है जो गूगल की तरफ से है, उसमें आपको विजिट करना है। तो न्यू टैब ओपन करते हैं और गूगल में सर्च करते हैं हालो डॉट इट, इसमें इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको इस तरह से ओपन होगा यह वेबसाइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो ये फॉलो बाई इट दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हो इंटर योर वेबसाइट और RSS URL, तो इसमें अपना वेबसाइट का URL पेस्ट करना है। तो हम अपने वेबसाइट का URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो पहला क्या, पहला नंबर दिया है ओवरऑल साइज एंड बॉर्डर। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इस आइकन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बॉर्डर आ जाता है हल्का। अगर हम चाहते हैं कि ये बॉर्डर में कलर हो तो कलर भी आ जाता है। देख सकते हो यहाँ रेड कलर हो गया, हमको चाहिए ब्लैक कलर। आप यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यानी कि जो ये यहाँ वाइट कलर दिख रहा है, यहाँ पे कलर हो जाएगा। देख सकते हो, ये देख, जो कलर चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल अभी मैं वाइट ही रख लेता हूँ। इसके बाद सेकेंड नंबर दिया है टेक्स्ट अबाउट एंट्री फील्ड, जैसे यहाँ पे गेट न्यू पोस्ट बाय ईमेल, इसको आप चाहो तो कट करके कोई अच्छा सा नाम रख के यहाँ पे टाइप कर सकते हो, तो यहाँ शो होने लग जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ कट कर दिया तो यहाँ शो नहीं हो रहा है, और यहाँ टाइप कर दूंगा तो यहाँ शो होने लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा है फॉन्ट साइज, यहाँ स्टाइल दिख रहा है। तो फॉन्ट साइज में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग से इसमें साइज दिखा रहा है, जैसे टाइम न्यू रोमन दूसरी भाषा में चेंज हो जाती है। ये देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेना है। और बोल्ड स्टाइल में देखना है, जैसे बोल्ड है, बोल्ड में कुछ अलग दिखने लग जाता है, फिर लाइट में अलग, लाइटर में अलग, आपको जो अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दिखा है फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर में कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे यहाँ रेड हो गया और यहाँ से हरा हो गया या नीला ये बैगनी हो गया। इस प्रकार से आप जैसे चाहिए वैसे कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज, यहाँ फॉन्ट साइज दिखा रहा है इसमें, जैसे 16 है इसको मैं 18 कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा इसका साइज। देख सकते हो, यहाँ 14 करूँगा तो छोटा हो जाएगा। इस प्रकार ये दिया है एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ जैसे ये सेंटर दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है। जो ये गेट न्यू ईमेल है, इसको हम चाहें तो राइट लेफ्ट सेंटर में कर सकते हैं। लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट साइड चला गया, राइट में करेंगे तो राइट साइड, और सेंटर में करेंगे तो बीच में रहेगा। इसके बाद तीसरा नंबर है एंट्री फील्ड। एंट्री फील्ड यानी जैसे यहाँ पे दिया इंटरव्यूअर ईमेल, इंटरव्यूअर ईमेल में यहाँ पे कुछ अच्छा नाम चुनकर आपको रख लेना है।
या फिर यही रहने देना है। तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ हटा दिया तो यहाँ भी हट गया, वहाँ टाइप कर देंगे तो आ जाएगा। इस प्रकार से आप कोई सा भी अच्छा सा चूज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट्स स्टाइल, यहाँ जो अच्छा लगे उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर दिया है, ये कलर भी हो जाएगा यहाँ। सेंटर में रखना है तो सेंटर, और राइट में रखना है तो राइट में। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। चौथा नंबर है सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब बटन जैसे ये हो गया, इसको आप चाहो तो यहाँ से सब्सक्राइब बटन के जगह में और कुछ लिख सकते हो। और यहाँ फॉन्ट दिया है, स्टाइल दिया है, फॉन्ट कलर दिया है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। फिर दिया है एलिजमेंट, सेंटर में रखना है कि लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है। फिर दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में जैसे अभी हम ब्लैक है, ब्लैक है, रेड कर सकते हैं इस प्रकार से। आपको लगेगा कि हाँ अब हो गया मेरा कंप्लीट, तो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आ जाओगे नीचे, तो यहाँ पे दिया है कॉपी कोड, कॉपी कोड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ डन कर देना है। अब दोस्तों अपने ब्लॉगर में आ जाना है। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है लेआउट, लेआउट में क्लिक करना है। लेफ्ट साइड दिया है साइड बार, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड ए गैजेट। जैसे मैं पहले से लगा के रखा हूँ तो उसको पहले मैं हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद ऐड ए गैजेट में क्लिक करना है, यहाँ पे HTML जावा स्क्रिप्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ टाइप कर लेना है जीमेल बाय फॉलो। कंटेंट में जो कॉपी कोड किए हैं कॉपी को यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये पहले का है, ये हरा कलर है, और जो अभी हम ऐड किए हैं उसको हम देख सकते हैं कैसे दिखेगा रिफ्रेश करके। तो ये देख सकते हो दोस्तों, गेट न्यू पोस्ट बाय ईमेल। इस प्रकार से अपने ब्लॉग में फॉलो बाय ईमेल का फीड बर्नर लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।